असल वी आर गोइंग टू सॉल्व द्वेश्चन क्वेश्चनल इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स वी कैन शो डैट इट मीन्स के जो हमारे पास इस इक्वेन का रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए आर रैशनल तो स्टूडेंट्स रैशनल होने के लिए हमारे पास टू कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन है कि रूट्स का भी हमने जब नेचर ऑफ रूट्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी तो अब हमने देखा था कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट जोन सा है हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है रिजल्ट अगर वो ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है ठीक है वो क्या है पॉजिटिव है पॉजिटिव होने के साथ साथ वो क्या है परफेक्ट स्केयर भी है परफेक्ट स्केयर भी है और पॉजिटिव है फर्स्ट हमारे पास ये है और सेकेंड ये मतलब वो परफेक्ट स्केर भी है और पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रेशनल होंगे ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स है कि अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है जो डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट है वो जीरो आ जाए लास्ट पे जो रिजल्ट है इस इक्वेशन का अगर वो जीरो आ जाता है फिर भी आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रेशनल होंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास यहां पर कितनी कंडीशन आ गई टू कंडीशन आगी अब हम इसको सॉल्व करके ही देखते हैं कि दोनों कंडीशन में से कौन सी होल्ड करती है क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेन है उसके रूट्स क्या होने चाहिए रेशनल होने चाहिए चलिए स्टूडें सॉल्व करते हैं एक्सकेयर फर्स्ट तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं एक्सकेयर के साथ जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो वैल्यू ऑफ ए है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ए बी और सी है हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कैपिटल ए इसको लेट कर लेते हैं ठीक है आप कैपिटल ए ले लें ले या पी क्यू आर ले लें ये आपके अपनी मर्जी है एक्स केयर के साथ जो कंप्लीट टर्म है वो हमारे पास क्या है value of a. हमने इसको capital a से किया क्योंकि small a question में है। और के साथ जो है है वो हमारे पास क्या है? B. हमने इसको B से कर लिया और जो लास्ट पे वैल्यू है वो हमारे पास क्या है value of C. इसको हमने capital C से कर दिया let. Capital a की a की हमारे हमारे पास पास क्या और c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई सी इंटू ए माइनस बी अब हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स बी स्केयर माइनस फोर ए सी अब अकॉर्डिंग टू दिस इसको चेंज करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल बी स्केयर माइनस फोर ए को कैपिटल ए में और सी को कैपिटल सी में चेंज कर दिया स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज पुट करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट किसकी वैल्यू पुट करेंगे बी की तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है b इंटू सी माइनस ए और इसका क्या आ जाएगा होल का स्केयर नेक्स्ट माइनस फोर एज इज a की वैल्यू a की वैल्यू हमारे पास फ्रेंड्स क्या है a इंटू बी माइनस सी नेक्स्ट फ्रेंड्स c c की वैल्यू हमारे पास क्या है c इंटू ए माइनस बी और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी अब फर्स्ट हम इसका स्केयर लेते हैं यहां b का भी स्केयर लेंगे और c माइनस ए का भी स्केयर लेंगे फर्स्ट हम b का स्केयर ले लेते हैं बी स्केयर एज इज और c माइनस ए होल स्केयर इसको ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पर बी स्केर एज इट इज यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का स्केर अगर माइनस है तो माइनस टू फॉर्म लेकर फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू अब बी स्केयर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों टर्म से तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर नेक्स्ट बी को ए से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट हम ए लिख लेते हैं ए स्केयर और बी स्केयर माइनस टू अरेन्ज करके लिख लेते हैं ए फर्स्ट लिख लिया नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया बी स्केयर और लास्ट पे क्या आ गया सी मल्टीप्लाई भी करवा दिया और अरेंज भी कर दिया फर्स्ट बी स्केयर को सी स्केयर से फर्स्ट बी आता है फिर सी बी स्केयर सी स्केयर लिख दिया नेक्स्ट बी स्केयर को ए से मल्टीपकेयर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ए स्केयर इंटू बी स्केयर माइनस टू फर्स्ट हमने ए लिखा देन बी स्केयर जो मल्टीप्लाई हो रहा था और सी एज इज अब हम नेक्स्ट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स फोर एज इज फर्स्ट तो हम ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए सी यहां पर भी सी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा सी ए माइनस सी बी फोर एजेज अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी टर्म से सी ए माइनस सी बी से नेक्स्ट माइनस ए सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे सी ए माइनस सी बी ब्रैकेट क्लोज कर दी ओके okay, स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स माइनस फोर एज अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ए बी को सी बी सी ए बी को सी ए से मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट ए ए से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे ए स्केयर साथ हमारे पास क्या आ गया बी सी माइनस अब ए बी को सी सी बी से मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट ए लिख लिया अब बी की बारी है बी टू टाइम है तो क्या आ जाएगा बी स्केयर और साथ क्या आ गया सी नेक्स्ट माइनस अब ए सी सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट ए ए स्केयर बी और सी स्केर बी बाहर माइनस है अंदर बी माइनस है माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस में चेंज हो गया अब ए सी और बी फर्स्ट क्या आ जाएगा ए नेक्स्ट क्या आ जाएगा बी और लास्ट में सी हमारे पास कितने टाइम है टू टाइम तो यहां से क्या आ गया सी का स्केयर और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी ये सी स्केयर आ गया स्टूडेंट्स अब इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली वैल्यूज को हमारे पास फर्स्ट इसको लिख लेते हैं बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी स्केयर सी माइनस अब फोर इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा माइनस फोर ए स्क्यर बी सी बाय माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस फोर ए बी स्केयर सी माइनस माइनस प्लस फोर ए स्केयर सी स्केयर माइनस प्लस इज माइनस फोर ए बी एंड सी स्केयर सो ये ए बी सी स्केयर है अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट देखते हैं कि कौन सी टर्म्स कौन सी हैं वो सॉल्व होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं अब बीस केयर ए बीस केयर और सी स्केयर हमारे पास यहाँ पर एक ही टर्म है अब ए स्केयर और बीस केयर इफानी टर्म है और कोई टर्म नहीं है ये भी सॉल्व नहीं होगी स्टूडेंट्स इसको इज लिख लेते हैं बीस केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर नेक्स्ट ए बी स्केयर सी अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या है ए बी स्केयर सी सी है ये प्लस है और ये माइनस है प्लस माइनस इस माइनस फोर में से टू माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स टू क्योंकि तो, दोनों टर्म्स क्या है सेम है प्लस टू ए बी स्केयर सी प्लस इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो हाइस्ट अमाउंट है उसके साथ साइन कौन सा है पॉजिटिव नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू है अगर हम देखें तो हमारे पास ए स्केयर बी सी वाली कोई वैल्यू और नहीं है टर्म्स नहीं है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे माइनस ए फोर ए स्केयर बी सी और ए स्केयर सी स्केयर वाली भी नहीं है इसको भी एज इट इज लिख लिया स्टूडेंट्स और लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज लिख लिया अब स्टूडेंट्स हम इसको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स और पार के अकॉर्डिंग जो उनसे उसको अरेंज कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगी ए बी की वैल्यू जो स्केयर में है ए स्केयर बी स्केयर प्लस उसके बाद आएगा बी सी की वैल्यू इसके साथ पॉजिटिव साइन है नेक्स्ट हमने क्या लिख, लिख लिया बी स्केयर सी स्केयर ए बी बी सी नेक्स्ट क्या आना चाहिए स्टूडेंट सी ए बी बी सी नेक्स्ट सी ए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास सी ए कहाँ है ये रहा सी ए सी और ए सी के पास भी स्केयर है और ए के पास भी स्केयर है फर्स्ट हमने स्केयर वाली वैल्यू जिनके पास दोनों के पास टर्म्स दोनों टर्म्स के पास स्केयर है उन्हें ज्वाइन करें तो यहाँ पर दोनों टर्म्स के पास केयर है तो हम इसे लिख लेते हैं प्लस फोर ए स्केयर सी स्केयर ओके okay, स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स अगर हम इस टर्म को देखें नेक्स्ट हम लिख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस टू ए बी स्केयर सी उसके बाद माइनस फोर ए स्केयर बी सी और माइनस फोर ए बी सी स्केयर अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसका भी कंप्लीट स्केयर है इसका भी कंप्लीट स्केयर है और इसका भी कंप्लीट स्केयर हम बना सकते हैं ए बी होल स्केयर दोनों के पास स्केयर था कॉमन निकाल लिया प्लस बी सी होल स्केर दोनों के पास स्केयर था कॉमन निकाल लिया प्लस फोर किसका परफेक्ट स्केयर है टू का तो क्या आ जाएगा टू ए के पास भी स्केयर है सी के पास भी स्केयर है और ये हमने होल स्केयर कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स ये स्केयर कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स अब यहाँ अगर हम देखें तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर यहाँ पर आइडेंटिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोज हो रही है अगर हम आइडेंटिटी देखें हमारे पास अगर ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर है जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केर सेकंड वाली वैल्यू का स्केर थर्ड वाली वैल्यू का स्केयर प्लस टू फॉर्म का फर्स्ट वाली और सेकंड वाली वैल्यू फिर प्लस टू फॉर्म का सेकंड वाली और थर्ड वाली वैल्यू फिर प्लस टू फॉर्म का थर्ड वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू जब हम स्केर को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आती है अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये ये फॉर्म ऑलरेडी उसने दी हुई है देखें फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर प्लस थर्ड वाली वैल्यू का स्केयर अब नेक्स्ट हम जो वैल्यूज हैं उन्हें खुद कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट हम प्लस टू खुद लगाते हैं स्टूडेंट्स अब ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकेंड वैल्यू है हम साथ लिखते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू ओके स्टूडेंट्स और साथ ही देखने अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास रफ वर्क है अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी टू एज इट इज ए बी एज इट इज और बी बी से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बी स्केयर और सात सी अगर हम ऊपर देखते हैं क्या ये टर्म ऊपर है तो स्टैंड से देखें ये ये वाली टर्म ही है ये हमारे पास क्या है टू बी है ए बी और बी सी हमारे पास यही टर्म आ रही है दोबारा से नेक्स्ट फिर प्लस टू फॉर्मूले का यूज़ किया पहले हमने फर्स्ट टू वैल्यूज लिखी थी अब सेकेंड और थर्ड की बारी है हम लिखते हैं बी सी सेकेंड वाली वैल्यू और थर्ड वाली वैल्यू अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कौन सी टर्म इन दोनों में से बन रही है तो अगर इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं टू बी सी टू ए सी ओके स्टूडेंट्स अगर इसको सॉल्व करें फर्स्ट टू टू टाइम फोर बी एज इट इज सी का स्क्वायर और एज इट इज इट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है फोर ए बी और सी स्क्वायर अब हम देखते हैं क्या ये ओपर टर्म है फोर uh, ए और सी स्क्वायर यहाँ पर है लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर फोर के साथ क्या है माइनस है फर्स्ट जो हमने टर्म कंप्लीट की थी वो ये बना रहा था स्टूडेंट्स तो यहां पर तो माइनस नहीं है इसका मतलब है ए बी और बी सी इन दोनों के साथ माइनस नहीं आएगा इट मीन्स इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस नहीं है जब हमने ये वाली टर्म कंप्लीट की सेकंड और थर्ड को लिखा स्टूडेंट्स यहां तो माइनस नहीं आ सकता जब हम सेकंड और थर्ड को लिखा तो ये पॉजिटिव बना रहा है जबकि हमारे पास जो फोर ए सी स्क्वायर है वो किस में आना चाहिए नेगेटिव में तो नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे बी सी तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसने फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वो प्रूव कर दी है कि ये पॉजिटिव ही है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो टू ए सी होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स नेगेटिव होगा अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए नेगेटिव अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लिखते हैं तो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है स्केयर की वजह से किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में अब ये प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड वैल्यू भी बनगी फिर प्लस टू फार्मूले का सेकंड और थर्ड वैल्यू भी बनगी फिर प्लस टू फार्मूले का थर्ड वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू वो हमारे पास क्या है ए और बी अगर हम इसको सॉल्व करें प्लस माइनस 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 फोर और ए ए से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ए सी सात बी सी ये वाली टर्म भी कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स अब हमने इसको हमारी जो ये साइड थी ये हमने इसको बना दिया अब हम इसको क्लोज करेंगे और इस साइड में ले आएंगे स्टूडेंट्स अब इसको क्लोज करने लगे हैं यहाँ से फर्स्ट वैल्यू ये फर्स्ट वैल्यू लेंगे ये सेकेंड वैल्यू लेंगे और ये थर्ड वैल्यू लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे फर्स्ट वैल्यू क्या है ए बी प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है बी सी और थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस टू ए सी और ये हमने होल का स्क्वायर कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स माइनस इसीलिए यूज किया था क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ साथ क्या था माइनस और जब हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहां पर हमने देखा है ठीक है क्योंकि ये माइनस था इसीलिए हमने फर्स्ट टू के साथ तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो सॉल्व करने से हमें जो कंप्लीट था वो हमें दे रहा था वो हमारे पास ये था ठीक है इसलिए फर्स्ट टू के साथ हमारे पास जो पॉजिटिव रहेगा और जो सेकेंड वाली आएंगी उधर क्या आना चाहिए था नेगेटिव इसलिए हमने यहां पर माइनस का साइन यूज किया अब अगर स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास क्या है कंप्लीट स्केयर है कंप्लीट स्केयर है तो इट मीन के ये ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव इंटीज पुट करेंगे तो स्केयर की वजह से किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स एज तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स रिजल्ट हमारे पास आ गया एज द स्केर एज द स्केयर ऑफ एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर का स्केयर जब लेते हैं तो हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव आता है क्योंकि ये स्केर जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर जाता है इसके अलावा ओके फर्स्ट कंडीशन तो ये प्रूव हो गई कि ये क्या है पॉजिटिव इसके अलावा ये हमारे पास क्या है परफेक्ट स्केयर भी है एंड इट इज ऑल्सो इट एज ऑल्सो अ परफेक्ट स्केयर परफेक्ट स्केयर और ये परफेक्ट स्केयर भी है तो इसका मतलब है जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट वाला था वो ये होल्ड कर रहा है ये स्केयर भी है इट मीन्स ये पॉजिटिव आंसर देगा पॉजिटिव भी है इसके रूट्स और परफेक्ट स्केयर भी हैं पॉजिटिव भी हैं और परफेक्ट स्केयर भी हैं तो स्टूडेंट्स हैंड्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास रूट्स थे द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो क्या है द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्वेन आर रेशनल ये हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो क्या होने चाहिए पॉजिटिव होने वो रेशनल होने चाहिए स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ये प्रूव होगी क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया लास्ट पे वो पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्केयर भी है तो इसका मतलब जो इक्वेन के रूट्स हैं वो क्या है रेशनल हैं अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट में भी हमने यही प्रूफ करना है कि जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे रैशनल होंगे तो नेचर वही होगी स्टूडेंट्स के हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव हो ठीक है और पॉजिटिव होने के साथ वो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्केयर भी हो अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर आंसर जो उनका है वो जीरो दोनों कंडीशन में रूट्स क्या होंगे रेशनल होंगे लेट कर लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट एक्सकेयर के साथ जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ ए एक्स के साथ जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ बी और जो हमारे पास लास्ट पे वैल्यू है वैल्यू ऑफ सी डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी ठीक है हमने इसको कैपिटल से ही शो कर दिया अब वैल्यू पुट करते हैं बी की वैल्यू हमारे पास क्या है टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर माइनस फोर ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स ए प्लस टू बी और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए प्लस टू एंड टू ए प्लस टू सी यहां पर लेट ए बी सी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वो लिख लीजिएगा अब हम इसका स्केयर लेते हैं फर्स्ट टू का स्केयर लेंगे तो टू का स्केयर क्या आ जाएगा टू टू टाइम फोर और नेक्स्ट वाली टर्म्स का स्केयर एज इट इज फर्स्ट वन इसको ओपन करते हैं फोर एज इट इज यहां पर स्केर की आइडेंटिटी ओपन होगी फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केर प्लस थर्ड वाली वैल्यू का स्केर प्लस टू फार्मले का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू फिर प्लस टू का सेकंड वाली वैल्यू और थर्ड वाली वैल्यू फिर प्लस टू फार्मले का और थर्ड वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू ये हमने इसको ओपन किया साथ ही हम फोर्सेस इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं फोर ए स्केयर प्लस फोर बी प्लस फोर सी प्लस फोर टू टाइम एट ए बी प्लस फोर टू टाइम एट बी सी प्लस फोर टू टाइम एट सी ए ये हमने इसको सॉल्व किया अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स फोर एसडेज ये दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट हम क्या करेंगे ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए प्लस टू सी से फिर प्लस टू बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए प्लस टू सी से अब फोर एसडेज अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए स्केयर प्लस ए को टू सी से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए टू ए सी आ गया नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लस का साइन है प्लस एज इट इज अब टू बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो टू ए बी आ गया प्लस 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 टू टू टाइम फोर और बी और सी साथ एज इट इज आ गया अब हम फोर ओपन करते हैं माइनस फोर को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स माइनस फोर ए स्केयर बाइ माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस इज माइनस फोर टू टाइम एट ए सी फिर माइनस प्लस इज माइनस फोर टू टाइम एट ए बी माइनस प्लस माइनस फोर फोर टाइम सिक्सटीन बी सी अब हम देखते हैं कौन सी टर्म सेम है और उन्हें सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर देखें तो ये प्लस फोर ए स्केर है और ये माइनस फोर ए स्केर है दोनों टर्म सेम है साइन ऑपोजिट है ये तो यहां पर ही कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स अब बीस केयर वाली वैल्यू और कोई भी नहीं है तो बीस स्केर जो इज लिख लेते हैं फोर बी स्केर ये हमने लिख ली और सी स्केयर वैल्यू भी नहीं है तो प्लस फोर सी स्केयर भी दिस लिख लिया। अब प्लस एट ए बी माइनस एट ई बी ये भी कैंसल आउट हो गया स्टूडेंट्स इसके अलावा प्लस एट सी ए माइनस एट ए सी या सी ए दोनों टर्म सेम ही है ये भी कैंसल आउट होगी तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स प्लस एट बी सी और माइनस सिक्सटीन बीसी दोनों टर्म सेम है एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है प्लस माइनस इज माइनस सिक्सटीन में से एट माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा एट और हाईएस्ट अमाउंट के साथ साइन कौन सा था माइनस का और दोनों के साथ क्या है बी और सी ये हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स अब यहां पर हम स्केयर कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि हमने प्रूव करना है ये क्या है रेसनल क्योंकि जीरो रिजल्ट तो हमारे पास आया नहीं तो सही फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए यहां से फोर फोर किसका परफेक्ट स्केयर है स्टूडेंट्स टू का टू का स्केयर बी का स्केयर प्लस यहां से भी फोर किसका परफेक्ट स्केयर है टू का स्केयर और सी के पास ऑलरेडी स्केयर है नेक्स्ट वाली वैल्यू इट इज लिखते हैं अभी यहां से हम स्केयर क्लोज करते हैं टू बी होल स्केयर प्लस टू सी होल स्केयर अब स्टूडेंट अगर देखें फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केर अब ये टर्म हम खुद बनाएंगे माइनस टू है माइनस एज इट इज टू फॉर्मले का यहां से फर्स्ट वाली वैल्यू ली और यहां से सेकंड वाली वैल्यू ली अगर हम इसको सॉल्व करें टू टू टाइम फोर फोर टू टाइम एट और साथ क्या आ जाएगा बी सी इट मीनस ये टर्म क्लोज करने से हमारे पास यही टर्म आ रही है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर माइनस टू फार्मले का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई स्टूडेंट्स ए माइनस बी होल स्केयर को जब हम ओपन करते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर माइनस टू फार्मले का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू ये ओपन है अब इसे क्लोज करते हैं यहां से फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स यहां से सेकंड वाली वैल्यू लेंगे और साइन जो हमारे पास फार्मले के टू के साथ है माइनस और ये हमने होल स्केयर कंप्लीट कर दिया अब यहां पर हम ए और बी और सी की कोई भी वैल्यू पुट करें वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो स्केयर की वजह से वो किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में इट मीन रिजल्ट क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन जीरो है और पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स रिजल्ट है वो क्या है पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव होने के साथ वो क्या है परफेक्ट स्केयर भी है परफेक्ट स्केयर भी है तो स्टूडेंट्स हमारे पास हैंस हैं रूट्स ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो रूट्स हैं द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसके जो रूट्स हैं द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन आर रेशनल ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो परफेक्ट स्केयर भी है और पॉजिटिव भी होगा किस क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे स्केयर की वजह से वो किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में ही चेंज होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इज स्टूडेंट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूफ डैट हमारे पास जो के की वैल्यू होगी प्रूफ दैट के की वैल्यू लाइक like इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है प्रूफ डेट द रूट ऑफ इक्वेन जो हमारे पास गिवन इक्वेन है वो क्या है रियल है रियल स्टूडेंट्स रियल के लिए हमारे पास जो कंडीशन है स्टूडेंट्स एक तो रियल के लिए हमारे पास है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव होने के साथ साथ स्टूडेंट्स वो परफेक्ट स्केयर भी हो सकता है पर नॉट अ परफेक्ट स्केयर भी हो सकता है रियल के लिए दोनों है कि परफेक्ट स्केयर भी हो सकता है और नॉट अ परफेक्ट स्केयर भी हो सकता है ठीक है रियल के लिए इसके अलावा अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो फिर भी हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल होंगे अब हम इसको प्रूव करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स एक्स स्केयर के साथ हमारे पास कोफिशेंट क्या है वन ये हमारे पास किसकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ ए अब हम इसको ए पुट कर सकते हैं और हमारे पास जो एक्स के साथ कंप्लीट वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ बी और जो लास्ट पे है वो वैल्यू ऑफ सी है स्टूडेंट्स तो अब हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं ए हमारे पास क्या है वन बी हमारे पास क्या है माइनस टू के प्लस वन ओवर के और सी हमारे पास क्या है फोर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स बी स्केयर माइनस फोर ए सी क्योंकि आप क्वेश्चन ए बी सी की टर्म में नहीं है वैल्यूज पुट करते हैं बी की वैल्यू क्या है माइनस टू के प्लस वन ओवर के और इसका क्या आ गया स्केयर नेक्स्ट माइनस फोर ए की वैल्यू क्या है वन और सी की वैल्यू क्या है फोर फर्स्ट तो नेगेटिव साइन है और है नेगेटिव साइन स्केयर की वजह से पॉजिटिव में चेंज होगा ठीक है और फोर टू का स्केयर क्या आ जाएगा फोर और नेक्स्ट वाली टर्म का स्केयर ओपन करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का स्केयर प्लस है तो प्लस टू फॉर्मले का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू ये के के से कैंसल आउट हो जाएगा क्या रह गया फोर के स्केयर प्लस वन ओवर के स्केयर प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा टू स्टूडेंट्स आप फोर को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं या अभी सेकंड टर्म सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या कॉमन निकलता है अब स्टूडेंट्स यहाँ से फोर वन टाइम फोर और फोर फोर टाइम हमारे पास क्या आ गई सिक्सटीन स्टूडेंट्स आ गया अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दोनों टर्म्स अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है अगर हम देखें तो दोनों टर्म्स में हमारे पास जो फोर है वो कॉमन निकल रहा है ठीक है फोर कॉमन निकल रहा है तो फोर को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स रिमेनिंग तो हमारे पास क्या रह जाएगा के स्केयर प्लस वन ओवर के स्केयर प्लस टू एसडीस माइनस फोर यहां से कॉमन निकला और फोर के टेबल में कहा आता है four, four times 16 तो यहां पर क्या रह गया ओके स्टूडेंट्स okay, अब के एज एजडिस प्लस वन ओवर के स्केयर अब इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस माइनस फोर में से टू जो है वो माइनस कर दे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है थ्री ठीक है जिनकी बुक्स पे यहाँ पर फोर है वो इसको कट करके थ्री कर लें यहाँ पर जो एग्जैक्ट हमारे पास इंटीजर है जो करेक्ट इंटीजर है वो क्या है थ्री ठीक है आप इसे चेंज कर लें सी की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री कुछ बुक्स के ऊपर ये फोर होगी लेकिन जो इसकी करेक्ट वैल्यू है वो थ्री है स्टूडेंट्स हमने थ्री लिख लिया अब यहाँ पर भी हम थ्री लिख लेते हैं फोर थ्री टाइम ट्वेल्व ओके okay, स्टूडेंट्स आप फोर कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट हम ट्वेल्व लिखते हैं ओके okay. यहाँ से ट्वेल्व uh, आ गया ओके अब ये हमारे पास टू टर्म्स हैं फोर्थ के टेबल में ट्वेल्व आता है स्टूडेंट्स फोर थ्री टाइम ट्वेल्व अब स्टूडेंट्स टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है स्टूडेंट्स जिनकी बुक्स पे यहाँ पर फोर है वो उसको कट करक करके थ्री कर लीजिएगा क्योंकि इसके जो करेक्ट यहाँ पर इंटीजर है वो थ्री है इसको थ्री के साथ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर फोर हमारे पास टू का स्केयर है लेकिन यहाँ पर ये यह स्केयर कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि स्केयर की आइडेंटिटी के लिए हमें ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का स्केयर नेक्स्ट क्या आना चाहिए प्लस टू फॉर्मूले का भी आना चाहिए जबकि वो ये यह यहाँ पर नहीं है तो हम इसका स्केल कंप्लीट करने के लिए हमें टू चाहिए स्टूडेंट साथ फॉर एज इट इज और इसको भी हमने पॉजिटिव करना है ये नेगेटिव है ना इसको पॉजिटिव करना है क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास आंसर जीरो तो नहीं आएगा इट मीन्स कि हमने प्रूफ करना है कि वो रियल है रियल तब भी होगा जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा इट मीन्स वो पॉजिटिव होगा तो इस नेगेटिव साइन को भी हमने पॉजिटिव में चेंज करना है स्टूडेंट्स तो केस केयर एज इट इज प्लस वन और केस केयर इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस टू और प्लस टू प्लस टू हमने ऐड भी किया और माइनस भी किया जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो इसका मतलब है कि इसको यहां पर ऐड और सब करने से इस क्वेश्चन यहां पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे जीरो इसको हमने खुद माइनस भी किया और प्लस भी किया और नेक्स्ट माइनस वन एज इट इज ऐसा करने से स्टूडेंट्स क्या होगा फर्स्ट तो ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज होगा के स्केयर प्लस वन ओवर के स्केयर माइनस टू इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और प्लस टू माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस माइनस इज माइनस तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस वन फर्स्ट ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो गया पॉजिटिव में क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और अगर हम यहां पर देखें तो ये स्केयर कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स ये देखें फोर एज डिज ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस वाली वैल्यू का स्कीयर माइनस टू इसके पास है नेक्स्ट अगर हम यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू लिख हैं और साथ सेकेंड वाली वैल्यू लिख दें और ये हमारे पास ब्रैकेट है ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस वन प्लस वन आप स्टूडेंट्स ये कैंसिल के, के आउट हो जाएगा तो दोबारा से क्या आ जाएगा माइनस टू वन टाइम टू इसका मतलब ये आइडेंटिटी कंप्लीट यहां पर कर रहा है फोर एज डी यहाँ से क्लोज करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा फर्स्ट के नेक्स्ट प्लस वन ओवर के और साइन जो टू के साथ है माइनस और ये होल स्केयर हमारा जो सा है वो कंप्लीट हो गया और साथ हमारे पास क्या आ गया प्लस वन ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया अब हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो के के वाली टर्म आएगी वो क्या होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए स्टूडेंट्स एज अब हम देखते हैं एज के माइनस वन ओवर के होल स्क्वायर ज पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्केयर है स्केयर की वजह से जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा फॉर के बिलोंग्स टू रियल ठीक है के रियल के रेशनल रियल मीन्स के रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इेशनल भी हो सकते हैं और हमारे पास जो के का रिजल्ट है वो जीरो नहीं आ सकता सो so, हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेट आ गया इस क्वेश्चन का इज ग्रेटर देन जीरो तो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स के हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी तो ये प्रूव हो गया द गिवन इक्वेशन द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव आया है और परफेक्ट स्क्वायर भी है इट मीनस के जो रूट्स हैं वो क्या हैं रियल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है स्टूडेंट्स शो एट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल क्वेश्चन नंबर नाइन की तरह प्रूफ करेंगे अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर दे देगा स्टूडेंट्स और पॉजिटिव होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास रूट्स क्या है रियल और सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर जीरो के इक्वल आएगा तो फिर भी रूट्स क्या होंगे रियल ही होंगे ओके स्टूडेंट्स अब यहां से एक्स केयर के साथ जो बै... वैल्यू है वो कैपिटल ए क्योंकि ऑलरेडी ए बीसी की फॉर्म है एक्स के साथ जो कैपिटल बी और जो सिम सिम विदाउट एक्स और एक्स स्केट हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्केयर माइनस फोर ए सी वैल्यूज पुट करते हैं बी की वैल्यू क्या है सी माइनस ए होल स्केयर माइनस फोर एजीज ए की वैल्यू क्या है बी माइनस सी और सी की वैल्यू क्या है माइनस बी स्केयर ओपन करते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर माइनस टू फॉर्म का फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यू माइनस फोर एज ये दोनों तो टर्म्स मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं ए माइनस बी से देन माइनस सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए माइनस बी से अब स्टूडेंट्स सी स्क्यर प्लस ए स्क्र माइनस टू सी माइनस फोर अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए बी माइनस है माइनस बी बी से बी स्क्र माइनस ए और सी ए सी एजीज माइनस माइनस प्लस और बी और सी सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू सी ए नेक्स्ट फोर को मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस फोर को क्या आ जाएगा फोर ए बी माइनस माइनस प्लस फोर बी सी माइनस माइनस प्लस फोर ए सी प्लस माइनस माइनस फोर बी एंड सी अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स और पार्ट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या जाएगा ए स्केयर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बी स्केर वाली वैल्यू है यहां पर है बी स्केयर वाली वैल्यू उसको लिख लेते हैं प्लस फोर बी स्केयर नेक्स्ट सी स्केयर वाली वैल्यू लिख ली ठीक है स्टूडेंट्स ए स्केयर वाली बी स्केयर वाली और सी स्केयर वाली नेक्स्ट कितनी वैल्यूज हैं वन टू थ्री एंड फोर अब देखते हैं फोर टर्म्स में से क्या कोई टर्म सॉल्व होती है स्टूडेंट्स तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये माइनस टू सी ए और प्लस फोर ए सी दोनों सेम है ये भी सी ए है और ये भी सी ए है प्लस माइनस इस माइनस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस टू ए सी ये दोनों टर्म्स भी सॉल्व हो गए और ये हमारे पास सिंगल है और ये सेम भी नहीं है तो यज माइनस फोर ए बी और माइनस फोर बी सी अब स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म्स हैं तो यहां से स्केयर कंप्लीट करते हैं ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर प्लस फोर्थ किसका स्केयर है टू का सेकेंड वाली वैल्यू का स्केयर प्लस थर्ड वाली वैल्यू का स्केयर फार्मूला कंप्लीट करने लगे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केर प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का स्केयर ये वाला फार्मला कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर जब ओपन करेंगे क्या आएगा फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस थर्ड का स्केयर प्लस टू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस टू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस टू थर्ड इंटू फर्स्ट ये हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव भी साइन है या नेगेटिव भी आ रहा है स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वाली वैल्यू स्क्वायर का स्क्वायर नेक्स्ट प्लस टू फॉर्म का फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी और साथ सेकंड वाली वैल्यू लिखी ठीक है फिर प्लस टू फार्म का फर्स्ट हम इसको कंप्लीट करते हैं फिर हमने सेकेंड वाली वैल्यू लिखी और थर्ड वाली वैल्यू लिखी फिर प्लस टू फॉर्म का थर्ड वाली वैल्यू लिखी और यहां से फर्स्ट वाली वैल्यू लिखती अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट तीनों तो एज एसडीज लिखते हैं फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकेंड का स्केर प्लस थर्ड का स्केर अब देखते हैं क्या इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये टर्म्स बन रही हैं हैं स्टूडेंट्स लेट चेक करते ओके स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं अगर इस टर्म को सॉल्व करें फर्स्ट वाली को प्लस टू टू टाइम फोर और ए बी देखते हैं क्या ऊपर प्लस फोर ए बी है प्लस फोर स्टूडेंट्स प्लस का साइन तो नहीं है यहाँ पर तो माइनस का साइन है ठीक है इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों टर्म्स में से किसी एक के साथ जो सा है वो माइनस होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाली भी चेक कर लेते हैं ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस ये वाली टर्म है टू टू, टू टाइम फोर और साथ क्या आ जाएगा बी और सी ओके स्टूडेंट्स जो तो बी सी वाली टर्म है वो भी हमारे पास यहाँ इसको सॉल्व करने से तो पॉजिटिव आ रही है लेकिन ऊपर क्या है नेगेटिव इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव आएगा किसी एक टर्म के साथ इसके साथ थर्ड को सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा टू ए एंड सी और टू ए सी तो हमारे पास पॉजिटिव में ही आ रही है इसका मतलब है ए अगर हम ए को यहां पर ए वाली टर्म को नेगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें क्या दे रही है पॉजिटिव दे रही है ये वाली टर्म तो इसका मतलब सी सी वाली टर्म के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा सी के साथ सी वाली टर्म के साथ लिख लें या बी सी के साथ लिख लें दोनों के साथ सी बी पॉजिटिव स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर टू ए सी है और टू ए सी क्या है पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ही A और C दोनों ही जो हमारे पास जो अल्फाबेट है वो पॉजिटिव ही आएंगे जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट दो टर्म्स आ रही हैं वो नेगेटिव में है और उनके साथ क्या है A तो पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब माइनस टू भी नेगेटिव होगा और नेक्स्ट वाले में C तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये टर्म यहाँ पर होल्ड कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पर बी जो बी है वो नेगेटिव होगा तो यहाँ से ये वाली टर्म नेगेटिव होगी ओके okay, स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लिख लेते हैं प्लस टू यहां से हमने प्रूफ कर लिया टू ए माइनस टू बी नेक्स्ट प्लस टू माइनस टू बी इंटू सी प्लस टू सी इंटू ए आप इसे क्लोज करते हैं यहां से फर्स्ट वाली वैल्यू यहां से सेकंड वाली वैल्यू और यहां से थर्ड वाली वैल्यू और ये स्केयर कंप्लीट हो गया अब ये स्केयर कंप्लीट हुआ इट मीन्स के ये ग्रेटर देन क्या है डिस्क्रिमिनेंट जीरो है ए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आएगा एस ए माइनस टू बी प्लस सी इज ग्रेटर देन स्केयर में आ जाएगा इज ऑलवेज इज ऑलवेज पॉजिटिव ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि स्केयर है जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव भी आएगा एंड और इसके साथ साथ ये हमारे पास एंड एंड इट इज ऑल्सो और ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर भी है स्टूडेंट परफेक्ट परफेक्ट स्केयर भी है सो सो इट शोज डैट इट शोज दैट द रूट्स हमारे पास जो रूट्स आए हैं द रूट्स ऑफ इक्वेशन और रियल ठीक है रियल के लिए क्या था परफेक्ट स्केयर होगा और पॉजिटिव होगा पॉजिटिव तो मस्ट है पॉजिटिव होना चाहिए या रिजल्ट जीरो जीरो तो नहीं आ रहा इट मीन परफेक्ट स्केर ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्केयर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमने देखा कि जो हमारे पास टू ए और सी ए सी की टर्म्स दोनों ही पॉजिटिव ही रहेंगी क्योंकि वो पॉजिटिव रहेंगी तो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी इसका मतलब ए और सी पॉजिटिव ही रहेगा नेक्स्ट जो हमने सेकंड वाली यहां पर देखी थी इट मींस कि ये पॉजिटिव ही है नेक्स्ट जो हमारे पास थी ये यहां पर ए था और बी था जब हमने इसको कंप्लीट किया तो हमारे पास क्या आगे एक ए वाली टर्म आ गई और एक बी वाली टर्म आ गई ए तो पॉजिटिव है इसका मतलब नेगेटिव फिर क्या है बी नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस फिर ये वाली टर्म हमें देगा इसलिए हमने जो टू बी था उसके साथ क्या लगा दिया माइनस का साइन लगा दिया और इसे क्लोज किया और होल्स केयर आ गया और ये हमारे पास क्या है रियल है क्योंकि ये हमें रिजल्ट क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है पॉजिटिव होना मस्ट है स्टूडेंट्स परफेक्ट स्केर हो या ना हो रियल में रियल में मैटर नहीं करता लेकिन पॉजिटिव जरूर होना चाहिए पॉजिटिव इसीलिए कि यहां पर आप कोई भी वैल्यू पुट करें स्केयर की वजह से वो किसमें नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो स्केयर की वजह से वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर टेन भी स्टूडेंट सॉल्व हो गया ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स थैंक यू